इन अटल्लू छटल्लू लोगों की बातों से पीछे नहीं हटेंगे। पठान की औलाद है, अपने दर्द को और गरीबों के दर्द को अपना दर्द समझ के चलेंगे। थूकता हो तुम लोगों के ऊपर कि जो सिर्फ अपने औलादों के लिए जीते। हिंदुस्तान के अंदर वो इंसान ही नहीं जो एक मासूम बच्चे को देख के ना रो दे। मैं वो आरिफ हसन, जिस तरह फिलिस्तीन पर इजराइल, शैतान इजराइल का जो जुल्म है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में रमजान चल रहा है और एक खबर ऐसी आई है क्या, शैतान इजराइल ने उन लोगों का जो राशन था, उन लोगों के सहरी और अफतारी का, वो भी बंद कर दिया गया है। तो वहाँ के लोग और बच्चों को और औरतों को लगातार शहीद किया जा रहा, लेकिन जो बड़े बड़े जो मुस्लिम देश है वो चुप्पी साधे हुए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मुमरा के कॉन्ट्रोवर्सल किंग नदीम खान मौजूद है। हम नदीम खान के बारे में एक बात बताएंगे, क्या ऐसे मुद्दों पर नदीम खान ही एक ऐसे इंसान है जो आवाज़ उठाते हैं लेकिन लोग उन्हें गालियाँ देते हैं, इन गालियों का नदीम खान पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आइए बात करते हैं नदीम खान से। भाई जो मैंने बोला आपने सुना, जैसे कि वहाँ के बच्चों को औरतों को शहीद किया जा रहा है और उनके जो खाने पीने का सामान रमजान में भी बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हमारे देश का नाम आपने रोशन कर दिया, क्योंकि पूरी लाइफ में हर बार जो भी न्यूज देखा गोदी मीडिया, फलस्तीन के आतंकवादी ऊपर हमला, ये हमला वो हमला, आज तुम पर प्राउड है मुंबई ब्रेकिंग न्यूज पे कि तुमने उनको शहीद कहा। शुक्रिया। तुमने उनको शहीद कहा जो 9 साल का मासूम बच्चा है, जो औरत पेट से है वो शहीद हो रही है। आज तुमने उनको शहीद करके सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान की शान में ना चांद चांद लगा दिया। अल्लाह तुम्हारे न्यूज को बरकरार रखे और कामयाब करे, क्योंकि एक सच बोलने वाला न्यूज बहुत कम होता है। कहना आप तो बहुत है, लेकिन आज मैं एक चीज कहूंगा, बड़े लोगों ने अपने जमीरों को बेच के अपनी इमारतें बुलंद कर ली, हम गरीबों ने अपने दिल को मजबूत रख के हमारे हिंदुस्तान के परचम को बुलंद कर दिया। ये याद रखना, ये गरीब न्यूज है लेकिन सच बोलता है। आगे भाई, लेकिन जैसे कि रमजान चल रहा है और रमजान में भी उन लोगों का खाने पीने का सामान बंद कर दिया, यहाँ तक कि एक खबर आई कि वहाँ के बच्चे घास फूस खा के अपना पेट भर रहे हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इससे पहले जब हमास ने इसराइल पे कुछ मिसाइल से डागी थी तो वो वार हुआ था हमास और इसराइल के बीच में, तो इसराइल ने आर्मी उतारी हमासों को मारने के लिए। हमासों तो जनता को दिखाई नहीं दे रहा कि इसराइल शैतान कंट्री, जो शैतान की पैरवी करती काना दज्जाल की, वो इसराइल 6 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उनको हमास के प्लेयर्स दिख रहे थे। गाजा की वो दीवाने, गांजाओं की वो इमारतें जिनमें मासूम बच्चे कभी उछल के मचल के अपनी खुशियां से अपने घर परिवार के साथ रहते थे, आज वो मातम में बदला हुआ है। वहां आज रमजान के महीनों में आपने, अगर आर्मी ने इजराइल की रोकी होती ना तो एक बात समझ में आता, आर्मी के साथ इजरायली सिविलियंस, उन मासूम बच्चों का इफ्तार रोके, खाना रोके। अब तुम मुझे बताओ कि वो हमासी है, वो 2 साल का बच्चा हमासी है, ये दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा नजर आया? अगर जिन्होंने अपने आंखों में और कानों में तेल डाल के रखा है ना, तो उनको मैं समझा नहीं सकता। और उन मुसलमानों को कहूंगा, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजीउन, ये एक आयत है कुरान की, अंगे बहरे गूंगे तुम नहीं, तुमको अल्लाह ने बनाया है, क्योंकि तुम्हें ना अलिफ लाम की वो आयत को भूल गए कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी छतों को सोने की, तुम्हारे बच्चों के प्यार तुम्हारे दिलों में जगाए और तुमने इनके लिए मेरी मोहब्बत और मेरे इस्लाम को ठुकरा दिया, मैं कड़ा अजाब दूंगा तुमको। तो ये सुन लो, फलस्तीन के ये वो शहीद बच्चे हैं जो 3 साल का बच्चा, हम इंडियन मुस्लिम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमको तो 1 महीने का रोजा मिला है, हम भूख प्यास रहते ओनली 8 से 10 घंटा और फिर पानी पी के इफ्तारी कर लेते। वो फलस्तीन के बच्चे जो 2400 घंटा अपने पेट पे
साहबा कराम के पत्थर बांधे हुए जो साहबा कराम ने बांधा था, जो मेरे नबी ने बांधा था, आज की कौम फलस्तीन की कौम वो अपने पेटों पे पत्थर बांध के मट्टी खा के जी रहे और मर रहे। क्या हिंदुस्तान, गल्फ, अरबिस्तान, तुर्किस्तान, ऐसे कोई देश और ऐसे कोई इस्लामिक कंट्री को 20 लाख मुसलमानों की मुश्किलात नजर नहीं आती? अरे थूकता हूँ इसराइल तुझ पे, लानत भेजता हूँ तेरी कौम पे और लानत भेजता हूँ तेरे कंट्री पे कि तूने हम कुरान में कहे गए हुए बैतुल मुकद्दस पर हमला किया, तुमने हमारे उस इस्लाम के बच्चों को मारा और उस हराम काम में, उस हराम काम में जो लोगों ने सपोर्ट किया इंडिया से लेके अदर कंट्री से लेके, उन सब के ऊपर ऐसी लानत अल्लाह का गजब नाजिल हो कि जो आज फलस्तीन के बच्चे झेल रहे और जो आज फलस्तीन के बच्चे देख रहे वो तुम्हारी औलादे देखेंगी, तुम्हारी औलादे कीड़े पढ़ पढ़ के मरेंगे। नदीम भाई, जैसे कि इस्लामिक देश इतने पावरफुल है सभी जानते हैं, कई इस्लामिक देश है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी, इतना सब सामने आने के बावजूद भी सब चुप है, सब अपने अपने देशों में अय्याशियां कर रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी उनको बचाने के लिए कोई भी इस्लामिक देश आगे नहीं आ रहा है। तुम डायरेक्ट बोले ना, दुबई की बात कर रहे हो, दुबई, सऊदी, कतर, जितने भी है, मैं सभी का नाम, जितने मैंने सबका नाम लिया है। सऊदी में तो बदकारियां नहीं नजर आ रही है, लेकिन बदकारियां नजर आ रही है तो सिर्फ दुबई के अंदर। देखिए, एक थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने एक वहाँ पे एक मंदिर बन रही है उसके ऊपर वीडियो बोला, आज मैं आपके लाइव कैमरे से बोलता मैंने क्यों बोला। वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ का एक सुल्तान मुस्लिम है, आज तुम्हारे साथ मनी मनी के लिए खेल रहा है, पैसे भाई के लिए खेल रहा है, तो आज उसके पास पैसा इंडिया से जा रहा है तो वो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होकर तुम्हारी मंदिर को बना के तुम इंडियन को खुश कर दे रहा है, लेकिन वो एक मुसलमान है, अगर उसकी औलाद दुबई सुल्तान बना और वो परहेजगार रहा और अल्लाह की इबादत करने वाला रहा और इस्लामिक कंट्री में जो दुबई है तुम्हारे इंडिया से पैसे का लेवा देवा बंद हुआ तो वो सबसे पहले तुम्हारे धार्मिक स्थलों को तोड़ेगा जो आज बनाई, और फिर बाद में तुम दुबई का तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, उखाड़ोगे इंडियन मुस्लिम का, इंडियन मुस्लिम के मस्जिदों को तोड़ोगे, इंडियन मुस्लिम को मारोगे, और हम पूछेंगे भाई ये जुल्म क्यों, तो तुम बोलोगे दुबई में हमारी मंदिर को तोड़ा गया तो हम तुम्हारी मंदिर यहाँ रहने देंगे। अरे मेरे भाई, नरेंद्र मोदी जी को बोलो 5,000 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनावे कि सारी दुनिया में भूचाल है तो वो दुबई जो अय्याशी का अड्डा बना है ना, अगर वो कंट्री तुम्हारी मंदिर को नहीं तोड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हिंदू भाइयों के साथ हो और मैं मुतमइन हूँ। दूसरी बात, दुबई के वो सुल्तानों को कहूँगा जो साले अपने सोने के संडास और हीरे की गाड़ी लेके चलते हैं ना, फलस्तीन के वो बच्चे, फलस्तीन के वो बच्चे मैदाने हश्र में अज्जवजल के सामने खड़े होंगे और फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह, हमारी बहनों की इज्जत और हमारी माओ के कत्ल और हमारे मासूमियत बच्चों और हमारे मासूमियत के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो ये दुबई के सुल्तान जश्न मना रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे और हमको देख करके हमसे मुंह फेर रहे थे, ए अल्लाह तूने तो हमें बनाया था, तेरे बैतुल मुकद्दस की जिम्मेदारी हमें दे दी थी तो हमारी मदद करने वाला क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह अज्जो वजल है, फिर फरमाएगा अल्लाह तुमको लीमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह के कहर से कैसे बचोगे, फना हो गया यार ये दुबई, ये दुबई फना हो गया, लानत है उस पे। दूसरा सवाल करो नदीम भाई, जैसे कि हर बात में, हर चीज़ में आप आवाज़ उठाते हो, लोगों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाते हो, सच बात करते हो, लेकिन उसी में कुछ लोग उसमें मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी है, आपको गालियाँ देते हैं। देखिए, मुझसे जो चलता है ना वो गांडू गालियाँ देता है, ठीक है ना, जो हिंदू भाई अच्छे हैं ना, मेरी बातों को समझते, कई लोग मुझे मुस्लिम भाई भी, हाँ, हिंदू मुस्लिम सब जो मेरी बातों को समझते हो मुझसे कंट्रोल में बात करते हैं और बहुत अच्छे से, लेकिन जिनकी जान मेरे से जलती है, जिनके धप्पक नाल में मैंने मिर्ची लगा के सुलगा दिए, वही मेरे से जलते। दूसरी बात, हम मुसलमान है, हिंदुस्तान की शान है, ये याद रखना, जबान पे कलमा और दिल में
अल्लाह अकबर को राजी करने की उम्मीद लेके चलते, देश के गद्दारों को खत्म करने का जज्बा भी हम में है और उनकी औकात दिखाने की हिम्मत भी हम में है। और नदीम खान में तो वो ताकत है, देश के वो गद्दारों को कहूंगा कभी आजमा के देख लेना, अगर यकीन ना आए तो 6 फीट कवर में डालने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे देश से मोहब्बत करने वाला ही सच्चा मुसलमान होगा, मेरे देश से मोहब्बत करने वाला ही सच्चा हिंदू होगा, सच्चा सनातनी होगा। मेरी कौन सी ऐसी बात तुमको बुरी लगती है? मैं क्या बोल देता हूँ तुमको सेकुलरिज्म में रहो? अरे शर्म करो, आज से 30 साल पुरानी हमारी दोस्ती, एक मुसलमान मुसलमान का साथ छोड़ देता था लेकिन एक हिंदू भाई कभी मुसलमान का साथ नहीं छोड़ता था। जय और वीरू की दोस्ती कहा जाता था, नवाब बाबा की। लाइव कैमरे में बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त था संजय, वो भी एक जर्नलिस्ट था पहले, मनोज नाम था उसका, धारावीक है। अगर ये लाइव सुनेगा ना तो बोलेगा, भाई मेरे सारे मुसलमान मेरा साथ छोड़ दिए थे लेकिन वही संजय जब मुझे तकलीफ में देखा ना तो दर्द उसे होता था और रोता था, और आज भी हम लोग दोनों जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे के गले लग के रोते। ये हमारी दोस्ती हुआ करती थी, ये हिंदुस्तानी हम। तुम कौन से आज के हिंदुस्तानी बन गए रे? हाँ कोई फर्क नहीं गिरता भाई, इनको ट्रोल करने दो मेरे को। नदीम खान बोलता है बोलता रहेगा, क्योंकि एक मूवी का डायलॉग है, मार दो क्या, खान हूँ अल्लाह की शान हूँ, किसी के बाप से नहीं डरूंगा। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नदीम खान, जिन्होंने ये कहा कि शैतान इज़राइल को जितना जुल्म करना है कर ले, लेकिन वो बच्चे शहीद होने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ बात आती है उन मुस्लिम कंट्रियों की जो कि काफ़ी ताकतवर है, लेकिन वो अपनी मुस्लिम कंट्रियों को लेके अय्याशियों का अड्डा बना के बैठे हैं। उसमें सारी मुस्लिम कंट्री है। हाँ बोलो ना, चलेगा। अभी मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज था, कई हिंदू भाई और कई मुसलमान भाई परेशान चल रहे हालातों की वजह से, कोरोना की महामारी के बाद उनके धंधे और उनके काम आज तक स्टेबल नहीं हो पाए, तो मुझसे मदद मांगते हैं ये सोच के कि नदीम भाई एक अच्छा रिच और पैसे वाला है। तो मैं आपके बहनों आप लोग को मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और वीडियो डाला, और डालने के बाद मैंने बोला कि अगर जिसको मुसलमान भाइयों को सदका देना है, मैं ऐसी फैमिलीज को देखा हूँ जो अपने बच्चों की खुशियाँ के लिए जीनाकारी तक जाने को तैयार है, उनको रोकने के लिए मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई थी। पूरे मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में जो मेरे वीडियो देखते हैं उन सबसे मैंने मदद की गुहार लगाई थी। मेरे भाइयों मुझे शर्म आता है कि जो मेरे वीडियो भी देखते हैं कि यार मुझे एक हिंदू मुसलमान लड़की की इज्जत का ख्याल है और मुझे गरीब बच्चों की इज्जत का ख्याल है, उसके लिए मैंने तुम्हारे सामने भीख मांगा कि भाई इनकी मदद के लिए तुम इस अकाउंट में पैसा डालो और वीडियो बना करके दूंगा, तो उसमें तुमने क्या कमिटमेंट किया कि दुकान चालू हो गई। भाई कैमरा उधर गाड़ी में दिखाना जरा, बस इधर दिखा है। ये नदीम की मेहनत की कमाई है, किसी के बाप से लोन लेके नहीं बनाया ये, समझे? और सुनो, रमजान में सिर्फ अपने बच्चों को एक एक जोड़ा कपड़ा दिलाया हूं, अभी तक 500 घरों पे कपड़े जा चुके हैं। कितने? 500। अरे थूकता हो तुम लोगों के ऊपर कि जो सिर्फ अपने औलादों के लिए जीते, हिंदुस्तान के अंदर वो इंसान ही नहीं जो एक मासूम बच्चे को देख के ना रो दे, एक मासूम बच्चे को बिलकते हुए ना रो दे। तुम अपने आप को रियल इंडियन कहते हो? अरे तुम तो अच्छे इंसान बनने के लायक नहीं, तुम रियल इंडियन कैसे बनोगे? नदीम जब तक जिंदा है ना, हाँ अपनी कमाई में से आधी कमाई गरीबों की मदद के लिए डालेगा। इस मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरा रब मेरे बच्चे को संभालेगा। हाँ जो कहता है मैं यतीम हूं मोहताज हूं, तो उनको आज कहता हूं कि ए यतीमो, तुम यतीम नहीं, तुम्हारे साथ अल्लाह अज्ज वजल है। ए मोहताज हो, तुम मोहताज नहीं, तुम्हारे साथ अल्लाह अज्ज वजल है, क्योंकि तुमको तुम्हारे बाप का साया छीनने वाला अल्लाह है, तुम्हारी माँ का साया छीनने वाला अल्लाह है, और तुम पर रहम करने वाला भी अल्लाह है। तो ये याद रखना, कुल्लुम नफ्सुम जायकतुल मौत का मालिक जब अल्लाह है तो तुम्हारी जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है।
अपने आप को कमजोर ना समझो, तुम्हारे साथ अल्लाह की ताकत है। और अल्लाह के जब तक हम जैसे बंदे हैं ना दुनिया के अंदर, हम जैसे बंदे इन अटल्लू छटल्लू लोगों की बातों से पीछे नहीं हटेंगे। पठान की औलाद है, अपने दर्द को और गरीबों के दर्द को अपना दर्द समझ के चलेंगे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। चले ठीक है, तो जहाँ तक के बात फलस्तीन की थी, वहाँ के लोगों के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई कि उन बच्चों को शहीद कर रहा है। लेकिन इस्लामिक कंट्रियाँ जो कान में तेल डालकर बैठी है सिर्फ अय्याशी में लगी, और यहाँ बात हिंदुस्तान की भी आई है, तो रमज़ान का वक्त चल रहा है, बहुत सी ऐसी फैमिली से जो कि नदीम भाई से कॉन्टैक्ट करती है मदद के लिए, तो नदीम भाई ने एक पेज बनाया और उस पर QR कोड लगाया। अगर आपको भी किसी फैमिली की मदद करना है तो उस पर आप शेयर कर सकते हो। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अजीत, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।